मैं कहता हूं कि हम तो उसको दोनों हाथों से सलूट करते हैं दोनों हाथों से खान हाँ को छह लाख रुपया बताया जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हम गालियां देते थे पीटीआई बिल्कुल ये हल्फन कुरान पाक पे हाथ रखे कहता हूँ इन्होंने हमें रोड पे ले आए हैं अब जो हमने कपड़े पहने वो भी इन्होंने तुलवा देने हैं मेरी बेटी इंजीनियरिंग कर रही थी मैंने उसको वहां यूनिवर्सिटी से भी हटा दिया है एक मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी मैंने उसको भी घर दिया है सर पड़ेगा पे पे मुझे नून लीग पे मरने मिटने वाला नवाज शरीफ पे जान इशार करने वाला यकीन करें एक इंडिया के बंदे का मैसेज पढ़ के मैं हैरान हो गया उसने कहा कि मैं पाकिस्तान का कोई खैर नहीं हूं लेकिन पाकिस्तान को ये एक इंडिया का बंदा कह रहा है मैंने दो मरतबा मुझे इमरान खान साहब की जिनके हम दुश्मन थे हमारा खानदान दुश्मन था पीटीआई का उन लोगों ने हमें दो मरतबा चौदह चौदह हजार रुपया दिया है दोस्त होने के नाते भी आपने मुझे अभी तक नहीं बताया था। जी जी ऐसा ही है मैं क्या क्या आपको अपने घर के मामला क्या बताऊँ लेकिन आज मैं कैमरे के सामने आ गया हूँ जो हक और सच की बात है वो बता रहा हूँ और मेरी मिसिस को भी मिला है मेरे भाइयों को भी मिला है हमारी पूरी फैमिली को ये पैसे मिले हैं आप नू ली के होके हिम्मत कैसे कर रहे हैं सच बोलने की सोए इंसान को जगाया जा सकता है ना लेकिन जो मर जाए उसको नहीं जगाया जा सकता इसी तरह जो जिसका जमीर सोया हो ना मैं उसका जमीन जगाने की कोशिश करता हूँ लेकिन हम तो आपको भी कहते थे कि यार आप तो बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो आई का बयान आ गया कल की तारीख में उसके बावजूद झूठ बोल रहे हैं पूरे पाकिस्तान के जितने नू लीग के सपोर्टर है ना उनको एक चैलेंज करने लगा हूँ मैं अपने खर्चे पे खाना काबा लेके जाऊंगा एक बंदा तैयार हो जाए पूरे पाकिस्तान से पांच भाई हैं तीन सिस्टर हैं मेरी सब लोग हम जो है ना इतना शदीद उनके साथ लव करते थे मुस्लिम लीग के साथ मैं ही नाराज होता था मैं कहता था यार तुम गलत कह रहे हो लेकिन आज मुझे हुआ है। और जो नून ली का बंदा तैयार है मेरे साथ जाने के लिए मेरे खर्चे पे खाना काबा वो ये हल्फ दे दे वहां बैठ के, के क... प्रख् और मैं आप लोगों के साथ अरमोगान अक्सी मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर रखने वाले मेरे कई बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं चीजें लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं लेकिन हमेशा खास खास और प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मुहब्बत करते हैं सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए शायद ज़िंदगी में कभी मामूली सा हल्का सा ज़मीर जागने का चांस बनी जाए प्यारे पाकिस्तानियों पाकिस्तान के मुस्लिम शहरों से लोग मौजूद होते हैं मेरे साथ लेकिन आज के शो की खास बात यह है कि आज के शो में, में मेरा एक पुराना दोस्त मौजूद है जिसको मैं आज से पाँच सात साल दस साल पहले बड़ा समझाता था कुछ चीजें तो उसको समझ नहीं आती थी और वो कहता था नहीं नहीं जाओ तुम तो पागल हो तुम तो बेवकूफ हो जो समझाते हो हमें लेकिन आज वो मेरी बातें मानने के लिए तैयार है यहाँ बैठा है मेरा दोस्त इसी क्राउड के अंदर लाहौर से ताल्लुक है और नू लीग पे मरने मिटने वाला नवाज शरीफ पे जानार करने वाला शहजाद भाई कैसे हैं आप अल्लाह का शुक्रिया मैं ठीक हूँ शहजाद लाहौर से ताल्लुक है पुराना दोस्त है मेरा शहजाद भाई आपको मैं जब पाँच सात साल पहले समझाता था कुछ चीजें तो उस वक्त आपका जहन क्या था आप तो मुझे तो मुझे पागल कहते 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 थे थे बेवकूफ़ ठीक है तो अभी क्या कहते हैं आप मैं हम अबाउ दाद हमारे दादा पड़दादे वालिद साहब सब मुस्लिम लीग के थे लीग। हाँ मुकम्मल फैमिली तो मेरे पांच भाई हैं तीन सिस्टर हैं मेरी सब लोग हम जो है ना इतना शदीद उनके साथ लव करते थे मुस्लिम लीग के साथ ईमानदारी से बताना है आप मुझे पता है ठीक है? तो आप नवाज को दिया था मुस्लिम तर... मतलब लीग से शुरू से, से उनके साथ ही है, है। हमारे यहाँ बावजाद भी इसमें से लेकिन हम तो आपको भी कहते थे कि यार आप तो बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो ये तो कुछ भी नहीं है पार्टी हमारा जो मुस्लिम लीग का मामला है जो, ने वो सब जो लोग ढीठपन का मुजाह कर रहे हैं ना अभी तक उनके लिए खास प्रोग्राम है और ये बंदा मिसाल है इसके बाद एक और बंदा मिलवाऊंगा चंद मिनट के अंदर ये मिसाल है उन लोगों के लिए जिनके जमीर मैं यही कह सकता हूँ फिर इनका जमीर सोया हुआ था जाग गया सोए इंसान को जगाया जा सकता है ना लेकिन जो मर जाए उसको नहीं जगाया जा सकता इसी तरह जो जिसका जमीर सोया हो ना मैं उसका जमीर जगाने की कोशिश करता हूं जिसका जमीर मर चुका है मुझे पता चल जाता है वैसे जिसका मर चुका हो तो मैं उसको जगाने की ज्यादा कोशिश नहीं करता हाँ उसको मैं आपके सामने अया करने की कोशिश करता हूँ सामने लाने की, की कोशिश करता हूँ देख लें ये लोग हैं जिनके जमीर मरे हुए हैं तो प्यारे भाई अब क्या हुआ आप क्योंकि कैमरे के पीछे बहुत ज्यादा ये बुरा भला कह रहे थे तो मैंने कहा चलो यार कैमरे के सामने पूरा पाकिस्तान देख ले पूरी पाकिस्तानी कौन देख ले तो आप क्या कहते हैं आप क्या हालात है मैं कहता हूँ आप तो इन्होंने खीर कर दी है हमारे हमें सर्वाइव करना मुश्किल कर दिया है कि मैं पहले एक काम करता था लेकिन मैं कभी परेशान नहीं हुआ आज मैं तीन काम एक काम कर... करते थे, थे एक थे थे काम थे। करता था स्कूल बैग का सप्लाई का, का काम करता था लेकिन अब मैं तीन काम कर रहा हूँ उसमें भी मैं सर्वाइव नहीं कर सकता इतने पहले का... एक काम करते थे गुजारा चल रहा था अब तीन काम करते हैं मैं मैं सर्वाइव नहीं कर रहा इतना यानी कि मैं डिस्टर्ब हुआ हुआ हूँ मेरे चार बच्चे हैं माशाल्लाह मैं मेरी बेटी इंजीनियरिंग कर रही थी मैंने उसको वहाँ यूनिवर्सिटी से भी हटा दिया है एक मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी मैंने उसको भी घर दिया है 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 सर रोकना पड़ेगा यहां पे मुझे दुख की बात है, दिल जो है ना तड़प रहा है ये बातें सुन के कि यूनिवर्सिटी से बच्ची को हटा लिया कॉलेज से भी हटा लिया इसका जिम्मेदार कौन है है जानना ये है। बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जिसने साढ़े तीन साल में चौवन रुपए सिर्फ पेट्रोल बढ़वा चौवन रुपए वो बुरा और जिन्होंने बीस दिन में चौरासी रुपए बढ़ाया वो अच्छे अभी भी कुछ लोग उनको अच्छा कह रहे हैं और मैं चाहूंगा कि पब्लिक में यहाँ कोई बंदा खड़ा है तो आके दिफा करना चाहे मैं सीट दूंगा उसको माइक दूंगा वो बात करे दिफा करे उनका ठीक है अच्छा जी तो ये तो बड़े दुख की और तकलीफ की बात है मुझे दुख हुआ मैं दोस्त होने के नाते भी आपने मुझे अभी तक नहीं बताया था जी जी ऐसा ही है मैं क्या क्या बताऊँ आपको हुँ. अपने घर के मामला क्या बताऊँ लेकिन आज मैं कैमरे के सामने आ गया हूँ जो हक और सच की बात है वो बता रहा हूँ कि इन्होंने इस इस हुकूमत ने हमें जलील कर दिया है इन्होंने हमें रोड पे ले आए हैं अब जो हमने कपड़े पहने हैं वो भी इन्होंने उतरवा देने हैं ठीक है साहब ने कहा था कपड़े बेच के आटा दूंगा शिबाशी तो तो वो हमारे कपड़े हैं वो 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 वक्त भी आने वाला है अब चोरी डाके सब कुछ होगा अब हर काम होगा इन्होंने अखीर कर दिया है और आज आज हम इतने शर्मिंदा होते हैं होते हैं दुख भी होता है कि यार हमारी अपनी पार्टी थी और हम उनके बारे में आज ये बात कर रहे हैं इन्होंने हमें मजबूर कर दिया है मैं दिल हल्फन कह रहा हूँ हल्फन कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को नाम किया के ये हल्फन से बात एक मैं भी ऐड कर दूं छोटी सी हल्फन से एक बात ऐड करने लगा लगाऊ पाकिस्तान के जितने नून लीग के सपोर्टर है ना उनको एक चैलेंज करने लगा हूं मैं अपने खर्चे पे खाना काबा लेके जाऊंगा एक बंदा तैयार हो जाए पूरे पाकिस्तान से अपने खर्चे पे खाना काबा लेके जाऊंगा जो नून लीग का सबसे बड़ा सपोर्टर है ना पाकिस्तान से वो राता करे हमारे साथ हमारे चैनल पे रबा कर ले उसको मैं खाना काबा लेके जाऊंगा और मैं वहां खाना काबा के अंदर बैठ के हल्फ दूंगा कि इमरान खान से मुहबे वतन लीडर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है ठीक है मैं ये हल्फ दूंगा मैं ये हल्फ दूंगा और जो नूली का बंदा तैयार है मेरे साथ जाने के लिए मेरे खर्चे पे खाना काबा वो ये हलफ दे दे वहां बैठ के, के ये अपने केसेस खत्म करने के लिए नहीं आए सीधी बात है सीधी बात है ठीक है सिर्फ ये हल्फ देना है आने जाने का वहां होटलिंग का रहने का खर्चा मेरा ठीक है उम्रा मेरी तरफ से उस बंदे का ठीक है जो जाना चाहे ये बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया मैंने और इसके बाद चंद दिनों में पाकिस्तान के सियासतदान जो है ना बड़े उनको भी एक चैलेंज करूंगा उसके बाद तीसरा चैलेंज मेरा जो एक दो महीने में होगा ना वो पाकिस्तान के बड़े लीडरों को होगा जो टॉप लीडरशिप है एक तरफ तो चौदह पार्टियां ना उनका तो पता नहीं चलता है लीडर कौन है ठीक है लेकिन एक बात मुझे याद आ गई पाकिस्तानी कॉम घबराना नहीं है ठीक है क्योंकि जो चौदह पार्टियों का हेड है वो आपको पता है कौन है मौलाना फजल रहमान साहब उन्होंने हुकूमत के खात्मे से पहले इमरान खान की हुकूमत गिराने से पहले पता क्या कहा था इस साफी के सवाल पर कहा था साफी ने कहा कि इसके बाद क्या होगा अगर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी तो मौलाना फजल उरमान साहब का ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे टीवी पे बयान चला उन्होंने कहा कि बहार आए ना आए ये खिजा जाए मतलब बाहर उनको फिक्र नहीं है कि बाहर आएगी इसकी जाने के बाद उनको यह था यह नहीं रहना चाहिए मुल्क में बेशक उसके बाद मुल्क बर्बाद हो जाए तबाह हो जाए बेशक खिजा ही रहे लेकिन इस बंदे को नहीं रहने देना ठीक है तो क्या कहेंगे अब दिल दुखता है थोड़ा वोट क्योंकि आप लोगों की वजह से इनका इतना दिमाग खराब हुआ ना कि इन्होंने सोचा ही कुछ नहीं आवाम का क्योंकि उनको पता था उनको पता है कि हमारे सपोर्टर मौजूद हैं अभी भी इतने के है के, के हम के दिल करता है कि हम खुदकुशी कर पैकेट कितने का पांच सौ अस्सी रुपये का मैं लेके आया हूं जो मैं हैरान जब मैं लेने गया हूँ तो मैं सोच में पड़ गया हूं। तो सौ अस्सी का जो लिया होगा मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी नॉर्मल कंपनी का होगा। नहीं वो, वो उसका नाम पहली सुना है पाकिस्तानियों तीन रुपए महंगा हुआ था जनवरी दो में जब ये बाईस जिसका छठा महीना चल रहा है ना तीन रुपये महंगा हुआ था पेट्रोल पहले महीने में तो शी साहब ने उधम मचा दिया था तबाही कर दी बेड़ा घर तीन रुपए ठीक है और बीस दिन में चौरासी रुपए बढ़ा दिया आके यार कहते थे सत्तर रुपए लीटर कर देंगे आके ना करते मैं ये नहीं कहता सत्तर रुपए लीटर कर देते और यार जहां पे था वहां रोक लेते सिर्फ इतना कर लेते ये भी नहीं कर सके लेकिन आपको पता है खुरम दस्तगीर साहब ने टीवी चैनल पे बैठ के नून ली के जो गुजरा वाला के लीडर हैं उन्होंने कह दिया है कि हाँ जी केस खत्म करने जरूरी थे क्योंकि पंद्रह साल हमें यही नजर आ रहा था ये जाता हुआ नजर नहीं आ रहा था ये बताएं कि अब क्या इरादा है अगले इलेक्शन में अगर ज़िंदगी में आता है तो इन श्ला तला तो अगर ज़िंदगी रही तो मैं पूरी फैमिली की और इमरान साहब के साथ वोट उनको वोट डालूँगा और बल्कि अपने मिलने वाले अपने चाहने वाले सबको गाइड करूँगा हम इस वक्त इस्लामाबाद में हैं तो आप ये बताएं कि लाहौर में जो आपके और दोस्त अहबाब रिश्तेदार उनमें भी ये रुझान पाया वो वो कटर थे नुए नून नुम के कटर नून के थे लेकिन अब वो उनके भी अपने जज्बात अपने ख़्यालत तो उनके उन्होंने जब ये देखा है गवर्नमेंट को कि इन्होंने तो भाई मचा दी है ठीक है हालात उनके भी इतने ख़राब हो गए मेरे दोस्तों के भी ठीक है वो भी सब लोग कह रहे हैं कि हम पी को वोट डालेंगे ठीक है अच्छा प्यारे पक एक बात और खास बता दूं मैं मैं बीच में बोलता हूँ कहते हैं जी बोलता बहुत है तो भाई बोलना आता है तो बोलता हूँ ना दिल अंदर से साफ है तो बोलता हूँ ना सच है अंदर तो बोलता हूँ ना जो महंगाई कम कर रहा था गरीब का एहसास कर रहा था फिर भी कहता था उसे एहसास था कहता था घबराना नहीं और जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया आगे वो तो ये भी नहीं कहते कि घबराना नहीं वो तो कहते दो हजार रुपया ऐसे उंगलियों से उंगलियां खड़ी करके बताती है मरियम औरंगजेब दो हजार रूपया अच्छा इसके मैं, मैं बारे में भी आप आपको बताऊंगा मैंने दो मरतबा मुझे इमरान खान साहब की जिनके हम दुश्मन थे हमारा खानदान दुश्मन था पीटीआई का उन लोगों ने हमें दो मरतबा चौदह चौदह हजार रूपया दी है आपको हमें, मेरे शिनाख्ती कार्ड पे दो दो, दो मरतबा मुझे आपके शनाख्ती कार्ड पे कोरोना के दौरान आपको चौदह चौदह हजार रुपया दो बार मिला दो मरतबा मिला है और मेरी मिसेज को भी मिला मेरे भाईयों को भी मिला है हमारी पूरी फैमिली को ये पैसे मिले हैं आप नो ली के होके हिम्मत कैसे कर रहे हैं सच बोलने की बस जो हक सच की बात है मैं वो कर रहा हूँ जो मेरा दिल कहता है वो मैं कर रहा हूँ जो मेरे अंदर के जज्बात हैं पहले इन लोगों ने दिमाग माउफ किया हुआ था बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल वो माफ हुए थे पाकिस्तानी दो बार कोरोना के दौरान इस बंदे को इस शख्स को इनके शनाख्ती कार्ड पे चौदह चौदह हजार रुपया मिला बीवी को मिला भाइयों को मिला कजनों वगैरह को मिला ठीक है तो उस बंदे ने कभी इतनी अकड़ से इतने गरूर से नहीं कहा कि मैं पैसे दे रहा हूँ कौम को और ये दो हजार दे रहे हैं तो ऐसे उंगलियां करके मरियम और दो हजार रुपया हुकूमत अपना दे रही अपना दे रही रही है है हुकूमत अपना ये अल्फाज बोले हालांकि वो बाम का पैसा है हालांकि कौम के टैक्स का पैसा है लेकिन कहा कि हम हुकूमत अपना दो हजार रुपया दे रही है तो इस 2000 से शबाशी साहब ने बताया कितने काम हो सकते हैं पेट्रोल भी डलवा सकते हैं आप पता नहीं क्या जी सेहत कार्ड का जी मैंने मेरे वाले का सेहत कार्ड और हम पहले उससे कार्ड से पहले हम गए हैं हॉस्पिटल में तो वो इतने पैसे बता रहे थे कि भाई आपके इनका बाईपास होगा लेकिन हम अफोर्ड नहीं, अफोर नहीं कर सकते हम उनको वापस ले आए दिल का बाईपास दिल का बाईपास करवाना था लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते हम वापस आ गए अच्छा। लेकिन कुछ ही अर्से के बाद कुछ ही देर पी टी आई की हुकूमत थी कुछ ही देर के अर्से के बाद इन्होंने महम शुरू की ये सेहत कार्ड की लाहौर में मिल गया जी जी लाहौर में हमें मिला और माशाला मेरे वाल साहब का हमने ऑपरेशन करवाया हमारा एक रुपया नहीं लगा और वैसे उन्होंने हमारा जब हम पता किया हमने ऑपरेशन का तो उन्होंने छह लाख रुपया बताया जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे छह लाख वाला ऑपरेशन फ्री हो गया फ्री बिल्कुल टोटल फ्री हुआ है किसकी वजह से जिसको आप गालियां देते जिनको हम गालियां देते थे पीटीआई मानते हैं बिल्कुल ये होता है मैं हल्फन कुरान पाक पे हाथ रखे कहता हूँ कि मैं कटर नून का था लेकिन इन लोगों ने हमारे ऐसे हालात कर दिए ऐसे मामलात कर दिए कि हम इनके अब इनका नाम भी नहीं ले सकते आप लोगों में से पता क्या है जो गालियां देते हैं ना मुझे खास तौर पे उनके लिए एक फिर दोबारा पैगाम है मेरे होने वाले बच्चों की नानी के बेटो गौर से सुनो गाली ना दिया करो मुझे गाली ना दिया करो गाली का मकाम जो है ना वो पता है कितने बिच्छू एक गाली के कबर में छोड़े जाते हैं तो मेरे लिए जो दुआएं करने वाले हैं ना लाखों लोग हैं उन उनपे मुझे फखर है और दुआ का तो इस्लाम में मकाम है ना लेकिन गाली का क्या मकाम है ये भी आपको पता है आप लोगों में से हो सकता है कुछ यहाँ पे कमेंट कर दें कह दें कि अपना बंदा बिठा लिया मेरा दोस्त है लेकिन ये प्लांटेड प्रोग्राम नहीं है यही बंदा मुझसे पांच सात साल पहले बकायदा लड़ता था, मेरा इसके साथ झगड़ा हो जाता था और कई कितने कह रहे हो ये तुम बिल्कुल गलत पे हो नवाज शरीफ नवाज शरीफ ही है नून नून ही है लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है इन लोगों ने हमारी लगा दी है आप ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आप हल्प दे सकते हैं कि ये अपने केस खत्म करने के लिए आए बिल्कुल हंड्रेड परसेंट हंड्रेड हंड्रेड टेन परसेंट इनको आवाम का कोई मुफ़ाद नहीं है आवाम के किसी भी मुफाद में नहीं है हक में नहीं है इमरान खान की पॉलिसी आप समझते हैं ठीक जा रही थी मैं कहता हूँ कि हम तो उसको दो दोनों हाथों से सलूट करते हैं दोनों हाथों से इमरान खान को दोनों हाथों से सलूट करते हैं दोनों हाथों से इमरान खान के बंदे ने दोनों हाथों से सलूट कर दिया क्योंकि जमीन सोया था जाग गया मरे हुए का नहीं जागेगा बार बार कह रहा हूँ सतारह सौ अस्सी रुपए का बीस किलो का आटा कर दिया सतारह सो अस्सी का और इमरान साहब के दौर में इतना महंगा नहीं था ठीक है वो इजी हम अफोर्ड कर रहे थे लेकिन अब हमारी पूंज से बाहर हो गया कि हम कैसे आप समझते कि उसने तो साढ़े तीन साल में इतनी महंगाई नहीं की जितनी तीन महीने में, नहीं नहीं में, नहीं में इन्होंने तो एंड कर दिया है ना इन्होने तो बिल्कुल अब कहते हैं वहाँ के कपड़े भी उतारने वहां को जो बार बार कह रहे हैं जी ये सारे जो महंगाई कर रहे हैं इमरान खान ने मुहिदे करके गया हुआ

तो उसको रहने देते हैं सत्तर लीटर कर देंगे घर बैठे जो मुझे देखते हैं पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान के लोग मुसलमान लोग पाकिस्तानी लोग वैसे तो इंडिया में बड़ा प्रोग्राम देखा जा रहा है और वो यकीन करें एक इंडिया के बंदे का मैसेज पढ़ के मैं हैरान हो गया उसने कहा कि मैं पाकिस्तान का कोई खैर नहीं हूं लेकिन पाकिस्तान को इमरान खान जैसा लीडर नहीं मिल सकता ये एक इंडिया का बंदा कह रहा है उसने अल्फाज ये बोले उसने कहा खैर खानी पाकिस्तान का लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं कि आपको जो लीडर मिला वो उस जैसा लीडर नहीं दुनिया में मिलेगा किसी को ठीक है तो बात यही है कि भाईजान उसी के मुहदे पूरे करने थे अच्छा दूसरी बात यह है कि अभी कल बयान आया मिफ्ता इस्माइल का इन शाह जून के आखिर में मुआहदा हो जाएगा एक तरफ कह रहे हैं कि महदे करके गया वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोहिदा जून के आखिर में हो जाएगा समझ आ गई आपको मेरी बात बिल्कुल 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 मैं कर पाया हूं आपको जो पूछना चाह रहे थे हाँ जी बिल्कुल, तो भाई आप भी जो गालियां देते हैं ना आप आप भी सवाल कर लिया करो कोई बात नहीं सवाल का जवाब मिलेगा गाली का जवाब तो नहीं मैं दे सकता हां गाली का जवाब एडमिन मेरा देता है वहां पे मैंने उनको यह भी मना कर दिया मैंने कहा गाली जो देता है ना उसका डिलीट नहीं करना कमेंट ताकि नस्ल का पता चले नस्ल का तारफ हो तो एक बार फिर यही कहता हूं कि मेरे होने वाले बच्चों की नानी के बेटो गाली ना दिया करो